क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम रेखाएं और कोण जो चैप्टर है आपका उसके उदाहरण करते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि आप उदाहरण कर भी लीजिएगा, तो शायद आपने कर ली हूँ। अगर आपको उनमें से कोई सवाल ना आया तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नवली 6.1। देखिए प्रश्नवली 6.1 है, उसका जो पहला सवाल है ठीक, वो क्या कह रहा है आपसे कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है तो एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। देखिए जो आकृति 6.13 है वो कैसी है, देखिए बना लेते हैं आकृति हम। ये दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद कर रही हैं और एक ऐसी रेखा जा रही है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये जो बिंदु है वो कितना है ए, ये बी है, ये डी है और ये ई है, ये सी है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो हमसे क्या कह रहा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ये ओ है, एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला कोण और एंगल बी ओ ई मतलब ये वाला कोण, ये जो दो कोण हैं इनका योग हमें पता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या लिखा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी कितना दिया हुआ है हमें 40 डिग्री। ठीक है, बी ओ डी का मतलब हो गया ये वाला कोण हमें दिया है। ठीक, हमें तीन कोण पता है, हमें कौन कौन से निकालना है, एक ये निकालना है और एक हमें निकालना है बी ओ ई मतलब ये वाला हमें कोण निकालना है, ज्ञात करना है, और हमें निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई, प्रतिवर्ती सी ओ ई। आप समझ रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं, जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए ज़रा, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, ये दोनों कोण छोड़ दीजिए आप, मतलब 180 डिग्री से अधिक तो यह है नहीं, तो मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए पहले हम ये वाला कोण ज्ञात करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमें पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है, अब एंगल बी ओ डी हमें दिया है, बी ओ डी ये वाला, अब ये वाला और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु ओ पे, तो शीर्षाभिमुख कोण से हम लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये वाला कोण पता चल गया एंगल ए ओ सी, अब यहाँ रख दीजिए आप, तो 40 डिग्री ठीक प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई बराबर कितना आ गया हमारे पास 40 माइनस 70 बराबर 30 डिग्री। ठीक, तो एक आंसर तो आ गया, अब दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए हमें क्या पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ठीक, मैं मान रख देता हूँ एंगल ए ओ सी का मान हमें पता है कितना है 40 डिग्री, प्लस एंगल सी ओ ई जो कि हमें निकालना है प्लस एंगल बी ओ ई कितना है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सी ओ ई अगर हम यहाँ से ज्ञात करें तो एंगल सी ओ ई बराबर 40 प्लस 30 70, 180 में से अगर हम 70
घटाएं तो 110 डिग्री आ जाता है। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने मतलब सवाल देने वाले ने हमसे कहा है कि आप प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती COE क्या मतलब क्या है? अगर आप COE यहाँ बनाए तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा। अगर आपको ध्यान हो तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ये जो एंगल है ये क्या है? COE। लेकिन प्रतिवर्ती COE क्या है? ये वाला एंगल। याद आ गया आपको? प्रतिवर्ती कोण क्या है? ये। और COE क्या है? ये वाला कोण। बस इतना ही करना था आपको, ठीक है? और प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा भी इससे सेटिस्फाइड होती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये देखिए, ये एक न्यून कोण है, ठीक है? ये हम मान सकते हैं एक न्यून कोण है। नहीं, ये न्यून कोण नहीं है, क्योंकि देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है, तो ये जो होगा वो 90 प्लस होगा। तो 90 प्लस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 180 डिग्री से ये वाला कोण कम है, और ये वाला जो कोण है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, और हमारा 360 डिग्री से कम है, तो ये एक प्रतिवर्ती कोण हो गया। अब यही हमें निकालना है, हमें ये वाला कोण पता है कितना है? 110 डिग्री। ये पूरा कोण कितना है? 360। 360 में से 110 घटा दें तो प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास? 250 डिग्री। तो एक आंसर हमारा कौन सा हो गया? ये वाला। एक आंसर हमारा ये वाला हो गया, ठीक है? अब देखिए आपको कौन सा सवाल करना है? दूसरा करना है, जिसमें आपको कोणों के अनुपात दिए हैं, जैसा कि हमने उदाहरण में किया था एक, बिल्कुल वैसे ही है। और जो तीसरा है वो भी आसान है, ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपका चौथा सवाल है वो थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। 5, 6, 4, 5, 6 मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।